The topic of this video is decidability in TOC. So first of all, हम देखते हैं कि decidability होता क्या है. तो decidability means कि हम decide कर सकें कि किसी problem का solution जो है वो decidable है या नहीं. Means वो problem अगर हम Turing machine को supply करते हैं तो उसका answer येस और नो में आता है. उस प्रॉब्लम के किसी इंस्टांस का सोल्यूशन येस और नो में आता है या नहीं. सो एज वी नो ट्यूरिंग मशीन गिव्स थ्री आउटकम्स, वेदर इट विल एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर इनपुट, वेदर इट विल इट कैन ऑल्सो रिजेक्ट अ पर्टिकुलर इनपुट, और इट कैन लूप इनफाइनाइटली फॉर दैट इनपुट. तो अगर वो रुकती है, होल्ड करती है आपकी ट्यूरिंग मशीन by accepting a string or rejecting a string, means आपकी ट्यूरिंग मशीन decidable है, और उस जो प्रॉब्लम उस ट्यूरिंग मशीन जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है वो भी decidable है. सो द बेसिक फॉर्मल डेफिनेशन इज द प्रॉब्लम पी इज कॉल्ड decidable इफ द लैंग्वेज एल ऑफ ऑल द इंस्टांसेज ऑफ पी इज decidable. तो एक लैंग्वेज एल जो पी प्रॉब्लम के इंस्टांसेज को लेके बनी है, उसके जितने भी येस इंस्टांसेज हैं वो अगर decidable हैं, ट्यूरिंग मशीन उनको डिसाइड कर रही है, उनके आंसर येस और नो में दे रही है, तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम भी डिसाइडेबल होगी. तो बेसिकली जो हम बात कर रहे थे कि अगर हम एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं, अगर किसी प्रॉब्लम के लिए एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन बना सकें जो हॉल्ट करे, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन या टोटल ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे, बन सकती है अगर उस प्रॉब्लम के लिए, तो वो प्रॉब्लम डिसाइडेबल होगी. अदरवाइज वो प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल होगी. सो नाउ एज यू नो द डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, ट्यूरिंग मशीन अगर हॉल्ड करती है, आंसर येस और नो में देती है, मीन्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट में देती है, तो वो डिसाइडेबल प्रॉब्लम होगी. एक प्रॉपर्टी है डिसाइडेबल लैंग्वेजेस की या डिसाइडेबल प्रॉब्लम की, कि अगर वो डिसाइडेबल लैंग्वेज या डिसाइडेबल प्रॉब्लम अगर डिसाइडेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी डिसाइडेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रॉब्लम है जैसे 0 n times और 1 n times, ये अगर एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो भी बनेगा वो भी डिसाइडेबल ही होगा. एक और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. लेट से मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ w, एंड आई गिव अ प्रॉब्लम दैट यू फाइंड दैट दैट स्ट्रिंग w वेदर इट बिलोंग्स टू कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और नॉट. तो अगर ये डिसाइडेबल प्रॉब्लम होगी तो ये फाइंड, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना कि w कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं, ये फाइंड आउट करना भी एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम होगी. ओके, नाउ डिसाइड, एक और प्रॉपर्टी है, डिसाइडेबल लैंग्वेजेस कैन बी इनमरेटेड, मीन्स वी कैन काउंट इट्स इंस्टांसेस. तो नेक्स्ट इनडिसाइडेबल प्रॉब्लम पे आते हैं. अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम की डेफिनेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट है आपकी डिसाइडेबल प्रॉब्लम से, कि अगर कोई लैंग्वेज एल है जिसके सभी येस इंस्टांसेस प्रॉब्लम पी के लिए जो हैं वो अगर अनडिसाइडेबल होंगे तो वो प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल ही होगी. तो द सेकेंडली, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स आर ऑफ टू टाइप्स, पार्शियल अनडिसाइडेबल या कंप्लीटली अनडिसाइडेबल. पार्शियल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स में आते हैं कि जिनके लिए हम ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं. ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं मींस नॉन हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं, दैट कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट और लूप इनफाइनाइटली. सो सेमी डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स को हम कह सकते हैं कि उनकी जो लैंग्वेजेस होंगी या उसके जो इंस्टांसेस होंगे वो रिकर्सिव इनेबरेबल होंगे. एज वी नो कि ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है रिकर्सिव इनेबरेबल लैंग्वेजेस, जिसके लिए हम ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं नॉन हाल्टिंग. तो प्रॉब्लम इफ इट इज अ सेमी डिसाइडेबल, देन ऑल द येस इंस्टांसेस ऑफ लैंग्वेज एल टू पी आर रिकर्सिव इनेबरेबल. तो जितने भी इंस्टांसेस होंगे वो भी रिकर्सिव इनेबरेबल ही होंगे. अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस के जितने भी इंस्टांसेस होंगे वो नॉन रिकर्सिव इनेबरेबल होंगे, और ऑब्वियसली डिसाइडेबल लैंग्वेजेस जो भी होंगी उसके जितने भी इंस्टांसेस होंगे वो रिकर्सिव होंगे. सो नाउ दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम जो डिसाइडेबिलिटीज में आती हैं.
तो वेरी फर्स्ट इज द मेंबरशिप प्रॉब्लम। मेंबरशिप प्रॉब्लम जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक आपको डब्ल्यू दिया गया होता है, एक स्ट्रिंग दी गई होती है, और यू हैव टू फाइंड आउट दैट वेदर दैट स्ट्रिंग इज बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ लैंग्वेज और नॉट। जैसे कि डब्ल्यू है, डब्ल्यू रेगुलर को बिलोंग करता है। ये अगर क्वेश्चन पूछूँ क्या इसका आंसर येस और नो में दे सकते हैं, अगर येस और नो में आंसर आ सकता है तो वो प्रॉब्लम होगी डिसाइडेबल, अगर येस और नो में आंसर नहीं आ सकता तो वो अनडिसाइडेबल है। डी मीन्स डिसाइडेबल, यू डी मीन्स अनडिसाइडेबल। सो नाउ मेंबरशिप प्रॉब्लम बेसिकली है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग उसकी लैंग्वेज को, लैंग्वेज सेट को बिलोंग करती है या नहीं। तो ये प्रॉब्लम अगर हम रेगुलर में देखें कि अगर हम स्ट्रिंग लेते हैं और पूछें कि वो रेगुलर लैंग्वेज को बिलोंग करती है या नहीं करती है, वो स्ट्रिंग इसका आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता है इन येस और नो, तो वो आ सकता है। दैट इज़ वाई दिस प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को भी अगर बिलोंग करती है, इसका आंसर येस और नो में हम दे सकते हैं क्योंकि हम पिश डाउन ऑटोमेटा बना लेंगे। कंटेक्स्ट सेंसिटिव में हम लीनियर बाउंड ऑटोमेटा बना देंगे। रिकर्सिव में हमारे पास ट्यूरिंग मशीन बन जाएगी, टोटल ट्यूरिंग मशीन जो येस और नो में आंसर देगी। रिकर्सिव इनमरेबल में ट्यूरिंग मशीन ज़रूर बन जाएगी लेकिन वो येस और नो में आंसर नहीं दे सकती है। इट कैन ऑल्सो लूप इनफाइनेटली इनडेफिनेटली, तो हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। तो दिस इज़ एन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम ऑब्वियसली। और यू कैन सी रिकर्सिव इनमरेबल में सारी अनडिसाइडेबल ही हैं, सिर्फ एक डिसाइडेबल है ये प्रॉब्लम। वी विल गेट बैक टू इट लेटर ऑन। फाइनाइटनेस, अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कोई एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेट है, वो फाइनाइट है या नहीं, मतलब उसकी जो स्ट्रिंग्स होंगी, उसकी लेंथ जो होगी वो फाइनाइट लेंथ की होगी कि नहीं, कि इनफाइनाइट होगी, ये पता करना है। अगर हमने कोई एक रेगुलर लैंग्वेज दी हुई है, ये फाइनाइट है कि नहीं, इसका आंसर येस और नो में चाहिए तो ये दे सकते हैं हम। डिटर्मनिस्टिक है। फॉर कंटेक्स्ट फ्री ये भी डिटर्मनिस्टिक है, फॉर कंटेक्स्ट सेंसिटिव इट इज़ नॉट। तो अब बची हुई प्रॉब्लम्स के लिए हम ये डिटर्मिनिज्म पे नहीं जाते हैं, सीधा पहले हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो एम्प्टीनेस प्रॉब्लम, तो अगर हम ये पता करना चाहते हैं एम्प्टीनेस प्रॉब्लम क्या होती है, कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज एम्प्टी है या नहीं है, मतलब वो क्या कोई स्ट्रिंग बना रही है या कोई भी स्ट्रिंग नहीं बन रही है उससे, तो दैट्स एन एम्प्टीनेस प्रॉब्लम। कंप्लीटनेस प्रॉब्लम होती है बेसिकली कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कोई लैंग्वेज जो है, पर्टिकुलर लैंग्वेज इनमें से किसी भी सेट की, वो सारे कॉम्बिनेशन बना सकती है इनपुट सिंबल के या नहीं। सिमिलरली इक्वालिटी में क्या होता है कि हमने दो लैंग्वेज दी होती हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि क्या वो दो लैंग्वेजेस बराबर हैं या नहीं। सबसेट प्रॉब्लम में होता है कि हमें दो लैंग्वेजेस दी हुई हैं और हमें फाइंड आउट करना होता है कि एक लैंग्वेज दूसरे का सबसेट है या नहीं। अगली प्रॉब्लम है इंटरसेक्शन एम्प्टीनेस, हमें दो लैंग्वेजेस दी हुई हैं और वी हैव टू फाइंड इट आउट कि क्या उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है या नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन उनमें ना हो, क्या ये है या नहीं है। सिमिलरली इंटरसेक्शन फाइनाइटनेस, कि हमें फाइंड आउट करना होता है कि क्या दो लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, फाइनाइट है या नहीं। सिमिलरली कोफाइनाइटनेस की प्रॉपर्टी क्या है, कि हमें फाइंड आउट करना होता है कि किसी लैंग्वेज का सेट डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एवरी कॉम्बिनेशन फॉर द इनपुट सिंबल, क्या वो फाइनाइट है या नहीं, येस और नो में इसका आंसर अगर हम दे सकते हैं तो डिसाइडेबल, नहीं तो अनडिसाइडेबल। कॉम्प्लीमेंट क्लोजर का मतलब क्या है, कि कोई लैंग्वेज है अगर वो इनमें से किसी एक सेट को बिलोंग कर रही है, क्या उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसी सेट को बिलोंग करता है कि नहीं, तो बेसिकली ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही है। इंटरसेक्शन क्लोजर, ऑब्वियसली इंटरसेक्शन की क्लोजर प्रॉपर्टी है कि दो लैंग्वेजेस L1 L2 दिया हुआ है जो किसी पर्टिकुलर सेट को बिलोंग कर रहा है, क्या उसका इंटरसेक्शन भी उसी पर्टिकुलर सेट को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। रेगुलरिटी, कि कोई लैंग्वेज दी हुई है क्या ये रेगुलर है या नहीं, ऑब्वियसली ये रेगुलर के लिए ही है, बाकियों के लिए ऑब्वियसली अनडिसाइडेबल होगा। एम्बिग्यूटी, कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है क्या वो एम्बिग्यूस है या नहीं, तो ये क्या हम डिसाइड कर सकते हैं या नहीं। तो रेगुलर के लिए देखें तो सभी की सभी डिसाइडेबल हैं प्रॉब्लम ये। कंटेक्स्ट फ्री के लिए देखें तो मेंबरशिप प्रॉब्लम जो है वो डिसाइडेबल है, हम पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हैं। फाइनाइटनेस प्रॉब्लम डिसाइडेबल है,
हम पता कर सकते हैं अगेन विद द हेल्प ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। एम्प्टीनेस में भी हम पुश डाउन ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है, उसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो क्लोजर की हो या बाकी डिसाइडेबल प्रॉपर्टीज़, वो सारी कंटेक्स्ट फ्री के लिए अनडिसाइडेबल है। कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेंबरशिप प्रॉपर्टी ऑब्वियसली लीनियर बाउंड ऑटोमेटा बना सकते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन के अंदर क्लोज्ड है तो ऑब्वियसली वो भी डिटर्मनिस्टिक है। सेम रिकर्सिव में भी वो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हैं और हम टोटल ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हैं, तो ये भी डिसाइडेबल है। रिकर्सिव इनमेरेबल सिर्फ इंटरसेक्शन के अंदर क्लोज है, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपकी डिसाइडेबल है, ये प्रॉब्लम आपकी डिसाइडेबल है, बाकी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी अनडिसाइडेबल ही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थैंक यू।